हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर हीरोज़ जो मार्वल कॉमिक्स में हमको दिखाई दे गए हैं, और उनके ओरिजिन, फर्स्ट अपीयरेंस और उनके पावर्स के बारे में। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारी फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो है करीमा शान पाडर, जो एक्समैन अनलिमिटेड इशू 27 में दिखाई दी गई थी। वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और ऊपर से वो इंडियन पुलिस सर्विस में काम कर चुकी है। हमारा नेक्स्ट सुपर हीरो का नाम है इंदिरा पारस गावस्कर, उसका असली नाम है। वो फर्स्ट टाइम दिखाया गया था एक्समैन वॉल्यूम 2 इशू 7 में जैन 2005 में। अगर इसकी पावर्स की बात करें, वो एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है उसके पास, रिहैबिलिटेटेड एक्सोस्केलेटन है और एक पर्सनल आर्मर है जो उसके एक्सोस्केलेटन से कवर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट सुपर हीरो का नाम है ग्रिड, असली नाम उसका दिनेश डियोल है, जो एक इनह्यूमन है। उसके पास मैग्नेटिक काइनेसिस है, कंप्यूटर इंटरैक्शन है और ऊपर से विजन और कॉस्मिक पल्स भी दे सकता है। हमारी नेक्स्ट सुपर हीरो का नाम है वेस्पर, जो इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जेनेटिक एक्स स्लैश 7 जैन 1993 में। अगर इसकी पावर्स की बात करें, उसके पास टेलीपैथी और टेली टेक्नोलॉजी के बेसिस पावर्स है और इसका असली नाम है रानी जतविंदर। हमारी नेक्स्ट सुपर हीरो है टाइम स्लिप, जिसका असली नाम है रीना पटेल। उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था न्यू वॉरियर स्लैश 59 में मई 1995 में। अगर इसकी पावर्स की बात करें, उसके पावर्स टाइम ट्रैवलिंग बेसिस, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, हर बेसिस में उसका टाइम वर्क करता है। हमारी अगली सुपर हीरो है सती, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जेनेट यूनाइटेड स्लैश 1 में जुलाई 2009 में। इसकी सुपर हीरो पावर्स की बात करें, वो एक टिपिकली इमोर्टल बीइंग है विद सुपर ह्यूमन कॉम्बैक्ट और सुपर हीरो हीलिंग फैक्टर्स के साथ। हमारे अगले सुपर हीरो का नाम है टाइगर मैन, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था डेयरिंग मिस्ट्री सितंबर 1940 में। टाइगर मैन एक्चुअली एक फॉरेस्ट मैन है जो एनिमल से बात कर सकता है, और उसके साइड की क्या दोस्त के तौर में एक एप है जिसका नाम है रैंगू। हमारे लिस्ट के आखिरी सुपर हीरो का नाम है ब्राह्मण, जिसका असली नाम है विवतम विश्वजीत। ब्राह्मण का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था इमोर्टल आयरन फिस्ट जुलाई 2008 में। अगर हम ब्राह्मण की पावर्स की बात करें, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जब तक वो लॉर्ड शिवा को प्रोसेस नहीं करता और अपने अंदर नहीं लाता। लॉर्ड शिवा अंदर आने के बाद वो लॉर्ड शिवा जैसे बन सकता है, उसकी तीसरी आँख, आठ हाथ और लॉर्ड शिवा की सारे ताकत उसके अंदर आ जाती है, और वो उस ताकत से किसी को हील भी कर सकता है और जो मरे हैं उनको वापस भी ला सकता है। और गाइस, यही थे हमारे इंडियन ओरिजिन सुपर हीरो जो मार्वल कॉमिक्स में दिखाई दिए गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए। आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूँ कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।